अस्सलामुअलैकुम गाइस, होप यू आर फाइन। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप किस तरह गूगल ऑथेंटिकेशन की को अपने बाइनांस के अकाउंट में लगा सकते हैं और उसको सिक्योर कर सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के नोटिफिकेशन को प्रेस कर लें ताकि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाया करें। तो चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। तो गाइस, ये मैंने बाइनांस एप्लीकेशन ओपन कर लिया, आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो सबसे पहले आपने काम ये करना है कि आपने ऑथेंटिकेशन की लगाने से पहले अपनी KYC वेरिफिकेशन लाजमी कर लें। इसके बगैर आप P2P में या वीज़ा कार्ड से अपनी करेंसी को बाय नहीं कर सकते। वैसे किसी एक्सचेंज से बाय कर सकते हैं, मगर P2P के ऑप्शन को और बाय विद डेबिट क्रेडिट कार्ड के ऑप्शन को यूज़ नहीं कर सकते। अकाउंट कैसे क्रिएट करते हैं उसकी वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में पेस्ट कर दिया, वहाँ से आप जाकर देख सकते हैं। और इसको कैसे वेरीफाई करेंगे उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में पेस्ट कर दिया है, आप देख सकते हैं कि आप किस तरह KYC वेरीफाई करेंगे। तो हमारे वीडियो का पर्पस था कि हम ऑथेंटिकेशन कैसे ऑन करेंगे। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। सबसे पहले आप यहाँ पर प्रोफाइल का आइकन नज़र आ रहा है, यहाँ पर क्लिक करेंगे, स्क्रॉल डाउन करेंगे, यहाँ पर आपको सिक्योरिटी का ऑप्शन नज़र आ रहा होगा, यहाँ पर क्लिक करेंगे। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 4 ऑथेंटिकेशन कीज़ नज़र आ रही हैं, जिनमें से एक गूगल ऑथेंटिकेशन है। ये तो मस्ट होनी चाहिए, इसके बगैर अकाउंट सिक्योर बिल्कुल भी नहीं है गाइस, इसको मस्ट होना चाहिए। दूसरी SMS ऑथेंटिकेशन है, तीसरी ईमेल ऑथेंटिकेशन है, और फोर्थ लास्ट जो है सिक्योरिटी की ऑथेंटिकेशन है। तो मैंने ईमेल ऑथेंटिकेशन ऑलरेडी ऑन की हुई है, इसको कैसे ऑन करेंगे। यहाँ पर आप ईमेल पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपको ईमेल पे आप कोड सेंड मिले करेंगे, वो बाइनांस से आपको एक कोड मिलेगा, उस कोड को यहाँ पर पेस्ट करेंगे तो आपका ईमेल ऑथेंटिकेशन ऑन हो जाएगी। SMS ऑथेंटिकेशन का भी सेम पर्पज़ है, यहाँ पर आप SMS ऑथेंटिकेटर को ऑन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपको कंट्री सेलेक्ट करना होगा। फॉर एग्जांपल मेरा PK पाकिस्तान में, तो मैं PK पे क्लिक करूँगा, यहाँ पर मैं अपना फ़ोन नंबर टाइप करूँगा, कंफर्म पे क्लिक करूँगा, तो ये मुझे एक कोड सेंड करेंगे, उस कोड को मैं यहाँ पर पेस्ट करूँगा और मेरा SMS ऑथेंटिकेटर ऑन हो जाएगा। तो हमने गूगल ऑथेंटिकेटर को ऑन करना है, तो गूगल ऑथेंटिकेटर पर क्लिक करेंगे, गूगल इसको ऑन करेंगे, नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। तो गाइज, ये हमें इन्होंने एक की प्रोवाइड कर दिया, इस की को हमने कॉपी करना है, इस की को हमने कॉपी करना है, की हमारी कॉपी हो गई है। उन्होंने लिखा हुआ है कि सेव दिस की ऑन पेपर, दिस की विल अलाउ यू टू रिकवर गूगल ऑथेंटिकेशन इन केस ऑफ फोन लॉस। तो मैं सबसे पहले इस की को कॉपी करके अपने नोट्स में पेस्ट कर लेता हूँ ताकि मुझे कोई प्रॉब्लम ना आए। तो गाइस, की को मैंने नोट्स में पेस्ट कर लिया, सेव कर लिया, आप भी ऐसा कर लीजिएगा। और मैं की वाला पोर्शन जो अवॉइड कर रहा हूँ, क्योंकि ये की आपने किसी को भी शो नहीं करनी, वरना वो आपके अकाउंट को एक्सेस कर सकेगा। इसके अलावा हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। अब एंटर द 16 डिजिट की, इसका मतलब है कि प्लीज़ एंटर जो हमने की बैकअप की है उसको हमने यहाँ पर पेस्ट करना है, और हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर हमें बोल रहा है कि यू विल नीड टू ऐड अ बाइनांस अकाउंट इन योर गूगल ऑथेंटिकेटर ऐप एंड मैनुअली एंटर द 16 डिजिट की। मतलब कि हमने जो गूगल ऑथेंटिकेटर को ऑन करना है, वहाँ पर हमने ये जो की पेस्ट की है इसको मैनुअली वहाँ पर टाइप करना है। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। अब हम जाते हैं अपने गूगल ऑथेंटिकेटर पे, गेट स्टार्टेड। यहाँ पर हम एंटर की करेंगे, अकाउंट नेम, फॉर एग्जांपल मेरा जो अकाउंट नेम होगा यहाँ पर मैं टाइप कर लेता हूँ, मैं यहाँ पर अपना अकाउंट नेम टाइप करूँगा, यहाँ पर वो मैंने की पेस्ट करनी है जो मैंने की वहाँ पर टाइप की थी, उन्होंने मुझे प्रोवाइड की थी। टाइम बेस पे हम क्लिक कर लेते हैं, यहाँ पे हमारी की होगी पेस्ट नहीं। यहाँ पर हमने वो बता रहा है कि व्हेन यू आर आस्क्ड फॉर अ वेरिफिकेशन कोड गेट इट हियर, द कोड इन फ्री वैल्यू सो यू नीड टू मेमोराइज इट। तो गाइस, कोड यहाँ पर चेंज हो गया, मुझे दोबारा से करना होगा। अब हम अपने बाइनांस में जाएंगे, ईमेल वेरिफिकेशन कोड पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर गूगल ऑथेंटिकेटर का जो कोड है उसको पेस्ट करेंगे। सबसे पहले हम अपना ईमेल ऑथेंटिकेट ईमेल को कोड को यहाँ पर पेस्ट करेंगे,
माइनस टू एफ एम देख सकते हैं मुझे कोड यहाँ पर मिल गया है। मैं इसको कॉपी करूँगा और माइनस में पेस्ट करूँगा। अब मैंने गूगल वेरिफिकेशन का कोड कॉपी करना है, उस पर मैं क्लिक करूँगा। तो गाइस ये कोड रैंडमली चेंज हो रहा है तो आपको उसको मेमोराइज करना पड़ेगा। मैं सबमिट पे क्लिक करूँगा तो गाइस देख सकते हैं मेरा गूगल ऑथेंटिकेटर सक्सेसफुली एक्टिवेट हो गया। तो आप सब भी गूगल ऑथेंटिकेटर को अपने अकाउंट पे एक्टिवेट करके अपने अकाउंट को सिक्योर कर लें। देख सकते हैं हमारा गूगल ऑथेंटिकेटर ऑन हो गया है। मेरा एक्चुअली सेकंड अकाउंट है इसलिए मैं इस पर लॉग इन नहीं करना चाहता अभी। SMS वेरिफिकेशन मैंने अपने जो ओरिजिनल अकाउंट पर मैंने कर ली है। इसके अलावा सिक्योरिटी की ऑथेंटिकेशन का ऑप्शन है। बाइनांस एप्लीकेशन पर ये नहीं होगी, आपको इसको वेरीफाई करने के लिए बाइनांस की वेबसाइट पर जाना होगा, वहाँ से आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं। तो ये था हमारा आज का ट्यूटोरियल। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना मत भूलिएगा और हाँ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।